हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी को तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे ये बताना अपन को। ठीक है, तो सॉल्व लिखते हैं, अपन लिखते हैं ब्यास क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया अपन को, ब्यास कितना दिया हुआ है। तो ब्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, इतना ही दिया हुआ है ना, बिल्कुल इतना दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर कितना होता है, तो 84/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2 सेंटीमीटर, मतलब 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, वृत्त की परिधि निकालते हैं, क्योंकि परिधि के बिना अपन को चक्कर लगाना पता नहीं चलेगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, यही होता है, बिल्कुल होता है। अब क्या एक चक्कर लगाने में कितना, वृत्त की परिधि मतलब आर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पहिए को 792 मीटर दूरी तय करने में लगने वाले चक्कर बराबर कितना होगा, 2πr इंटू एन। ठीक है, तो ये कितना है, 792 बराबर 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान 42 गुणित एन का मान पता करना है अपन को। तो कैसे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 7 77 और 11 7 77 और 11 2 22। ठीक है, आपका एक 4 8 14 3 पहले अब कैसे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 7 42, 6 1 6 6 2 12, 7 से कटेगा, 7 1 7 7 1 7। अब कैसे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 3 12, लेकिन ये किस में है, ये मीटर में है, अपन को सेंटीमीटर में बदलना है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करने पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 300 चक्कर, कितने चक्कर, 300 चक्कर लगाएगा तो 792 मीटर पहुंच जाएगा। थैंक यू।